Everyone, I hope you all are doing great so now in this video we will going to revise our income from salary the most important head if we talk at the level of CA or CMA intermediate as the case may be you talk about CMA or CA income from salary एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बहुत ही क्रूशियल हेड साबित होता है क्योंकि हर बार बार रिकरिंग नेचर का है है भाई हर एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा ही आपको ठीक बारिंग चलो विदाउट एनी फर्दर डिले कोई भी इधर उधर की बात करे बिना सीधा स्टार्ट करते हैं हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में सैलरी बता सकूं। नाउ सैलरी कहां से कहां तक है पंद्रह से सत्रह माने तीन सेक्शन आपको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर पढ़ने हैं अभी ये तीन सेक्शन क्या बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन नंबर फिफ्टीन सेक्शन नंबर फिफ्टीन यानी कि चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि कब इस हेड के अंदर टैक्सीबिलिटी आएगी यानी कि कब आपको आपकी इनकम को सैलरी मान करके पंद्रह से सत्तर में टैक्सीबल करना है फिर सेक्शन सिक्सटीन सेक्शन सिक्सटीन बात करता है डिडक्शन के बारे में यानी कि आपको अपनी सैलरी की इनकम से कौन सी कौन सी डिडक्शन मिलेगी देन सेक्शन सेवनटीन ये जो है ये डेफिनेशन का सेक्शन है तो ये क्या क्या डेफिनेशन बताता है ये आपको सैलरी की डेफिनेशन बताएगा यही आपको पर्क्यूजिट यानी कि पर्गस जिसे हम कहते हैं उसके बारे में बताएगा और यही आपको बताएगा प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी मतलब अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपको और क्या क्या चीजें मिलती हैं उसके बारे में तो हम एक एक करके इन सेक्शन को कवर करेंगे ओके okay. सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन यानी कि सेक्शन नंबर 15 तो सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है कि इनकम इज टैक्सेबल अंडर सैलरी हेड व्हेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ओनली कंडीशन इज मतलब आप जो भी पढ़ते हो ना चार्जिंग सेक्शन में वो सब कुछ इस कंडीशन पर डिपेंड करता है तो ये बोलता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन अगर होगा ना क्या बोला मैंने अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो सैलरी हेड में टैक्सीबिलिटी आएगी अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हम किसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मास्टर सर्वेंट रिलेशन एंड डायरेक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन रिलेशनशिप है तो सैलरी हेड में टैक्सीबिलिटी आएगी कौन से कौन से केसेस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपका डायरेक्टर ऑफ कंपनी एम पी एम एल एज पेपर सेटर या फिर एग्जामिनर जो होता है पार्टनर के केस में नहीं आता है एंड जजेस केस में नहीं आता है ओके जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट नाउ कंप्यूटेशन कैसे करते हैं हम सैलरी तो की तो सैलरी की कंप्यूटेशन आप कैसे करोगे सबसे पहले आपका आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी सैलरी जो आपको मिलती है अब सैलरी क्या क्या चीज होती है तो सैलरी के अंदर आपका बेसिक पे आता है आपका कमीशन आता है आपका फीस आता है ठीक है कोई बोनस होगा वो भी आएगा ये सारी चीजें आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होती है ओके अपार्ट फ्रॉम दिस अब और क्या होता है और फिर आपको जो अलाउेंसेज दी जा रही है अलाउेंसेज अलग अलग टाइप की होती है आपकी फुली टैक्सेबल पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एक्जेंस तो जो भी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउेंसेज है वो आएगी इसके अलावा जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ है वो आएगा फिर कोई आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो आएंगे ये सब मिला करके आपने क्या लिया सबसे पहले बेसिक पे कमीशन फी बोनस टैक्सेबल अलाउंस टैक्सेबल योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स टैक्सेबल वैल्यू ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये सब एक साथ लेकर के इनमें से हम माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन सेक्शन 16 में जो डिडक्शन मिलती है वो हम यहां से माइनस करके और फिर आपका एटलास्ट आता है इनकम फ्रॉम सैलरी ठीक है तो मतलब हम रिवाइज भी इन ही सबको करने वाले हैं हम अलाउेंसेस पढ़ेंगे परकेजेज पढ़ेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ेंगे ओके नेक्स्ट बेसिस ऑफ चार्ज सैलरी कब टैक्सेबल होती है सैलरी टैक्सेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर जो भी पहले होगा ड्यू पहले है तो ड्यू रिसिप्ट पहले है तो रिसिप्ट यानी कि एडवांस सैलरी सैलरी पहले मिल गई जब मिल गई तब टैक्सेबल कर दो ड्यू हो गई मिली नहीं है ड्यू हो गई टैक्सेबल कर दो ठीक है अरियर ऑफ सैलरी हम किसे बोलते हैं अरियर ऑफ सैलरी होता है वो सैलरी जो आपकी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंक्रीज करी गई हो और अब जाकर के आपको मिली है तो अरियर ऑफ सैलरी क्योंकि पहले तो ना ड्यू हुई है रिसीव की तो कहीं बात ही नहीं है पहले ड्यू भी नहीं हुई है इसलिए ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल नहीं होती है ये आपकी बेसिस पर टैक्सेबल होती है ओके okay? फिर इसमें छोटी छोटी सी कुछ बातें आती है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी सरेंडर ऑफ सैलरी ठीक है सरेंडर आप जो करते हो वो करते हो गवर्नमेंट को सरकार को आप सैलरी दे रहे हो उसे सरेंडर सरेंडर uh, बोलते हैं वो टैक्सेबल नहीं होता फॉरगोन कर रहे हो आप बोल रहे हो अपने एम्प्लॉयर को कि मेरी ये सैलरी आप क्या कर दो भाई गरीबों में दान कर दो या इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम में ले लो तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोल रहे हो ये बात आप सरकार को नहीं दे रहे हो एम्प्लॉयर को दे रहे हो तो हम इसको एप्लीकेशन ऑफ योर इनकम मानते हैं आपने सैलरी का एप्लीकेशन करा एंड दैट एप्लीकेशन विल बी टैक्सेबल आपके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी ओके फिर एक सिस्टम होता है ग्रेड पे का ग्रेड पे यानी कि आपकी जो बेसिक पे है उसके ऊपर बढ़ता रहता है जैसे सपोज मेरी बेसिक पे है फॉर एन एग्जाम्पल बेसिक पे है टेन थाउजेंड ग्रेड पे है थाउजेंड अप टू फिफ्टीन थाउजेंड तो बेसिक पे कितना बोला मैंने दस हजार दस हजार के ऊपर हजार हजार लगता रहेगा जब तक कि वो पंद्रह हजार ना हो जाए हर साल हजार लगेगा ठीक है आज इस ईयर में मेरी सैलरी है दस हजार अगले ईयर में होगी ग्यारह फिर बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह पहुंच गई उसके बाद जो पंद्रह का स्केल है सपोज दो हजार का स्केल है तो पंद्रह के बाद सीधा मेरी सैलरी होगी सत्रह सत्रह के बाद होगी उन्नीस ऐसे करके इसे ग्रेड पे बोलते हैं अगर ग्रेड पे अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट महीनों में आ जाए तो हम ग्रेड पे कैसे निकालें तो देखो आपको सिंपली एक काम करना होता है कि आप जो सैलरी कंप्यूटेशन कर रहे हो वो एज इट इज कंप्यूट करो अब आप जो लास्ट एंड फाइनल यानी कि प्रीवियस ईयर की कंप्यूटेशन कर रहे हो ना उसे आप मंथ्स में देखो मंथ्स में कैसे देखोगे स्टार्टिंग में सपोज आप मिड ऑफ द ईयर में एम्प्लॉय हुए हो तो वहां वाला काम उसको आप ध्यान में रखना वहां से साल लेना जैसे फॉर एन एग्जांपल आप अगस्त में एम्प्लॉय हुए हो आप जो आ, नौकरी लगी है वो आपकी नौकरी लगी है अगस्त 2018 तो अगस्त 2018 से लेकर के 10 अगस्त 2018 में आपकी नौकरी लगी है सपोज तो आप वहां से एक साल यानी कि अगस्त ठीक है 9 अगस्त 2019 इधर तक की सैलरी की कंप्यूटेशन ऐसे आप कंप्यूटेशन करो तो आपकी फाइनल यानी कि प्रीवियस ईयर की, की ग्रेड पे है वो भी एकदम परफेक्ट आएगी ओके ये सैलरी के बेसिक्स में यही चीजें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सैलरी का जो कि है अलाउंसेस अलाउंसेस क्या होता है देखो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉइज को कुछ ना कुछ चीजें कोई बेनिफिट जब प्रोवाइड करवाती है यानी कि जैसे कंपनी ने आपको आ, किराया दे दिया हाउस रेंट अलाउंस कंपनी आपको महंगाई बढ़ती जा रही है दिन बर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसके लिए कंपनी आपको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा दे रही है कि ठीक है इतनी महंगाई बढ़ रही है तो हम आपको डियरनेस अलाउेंस करके ये अलाउंस पे करेंगे ये सब होता है अलाउेंसेस अलाउेंसेज हम तीन कैटेगरीज में देखते हैं फुल्ली टैक्सेबल नो लिमिट वाली अलाउंस दैट मीनस फिर आती है फुली एग्जेप जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता और फिर आती है पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जाम तो फुल्ली एग्जैम्प अलाउंसेस कौन सी कौन सी होती है जो अलाउेंस आपको या तो जजेस को मिल रही है ठीक है या फिर यूएन अलाउंसेस टू यू एन मेंबर्स अलाउेंसेज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया इंडिया के बाहर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस ये फुली एग्जाम मतलब ये चार ही आपकी फुली एग्जेप होगी इसके अलावा और कोई नहीं पार्टली एग्जाम के अंदर पार्टली एग्जाम के अंदर हम क्या देखते हैं इसमें हम दो टाइप की अलाउेंसेज देखते हैं नेक्स्ट इज पार्टी टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जाम अलाउंस तो पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जाम के अंदर हम क्या लेते हैं हम लेते हैं अपनी एच आर एनि की हाउस रेंट अलाउंस एंड

पार्टली ट पार्टली एग्जाम के अंदर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अलावेंस है वो है एचआरए सेक्शन टेन थर्टीन एचआरए के ऊपर तो आपको कितनी मिलेगी एक्चुअल ठीक है मेट्रोसिटीज के लिए अदर केसेस में आपको 40 परसेंट मिलेगी इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा वो अमाउंट आपके लिए एग्जेम्ट होगा जैसे सपोज आपका एचआरए जो है वो बन रहा है छह हजार रुपए ठीक है अब इन तीनों में से आपको जो एग्जेम्ट है सपोज आपको एग्जेम्ट जा रहा है कितना चार हजार तो टैक्सेबल कितना होगा दो ओके नौ

अब हम बात करते हैं स्पेशल अलावेंसेज के बारे में तो स्पेशल अलाउेंसेज है वो क्या बात करता है स्पेशल अलाउवेंसेज के अंदर दो टाइप की अलाउेंसेज आती है एक तो आपकी ऑफिशियल पर्पज वाली और एक आपकी पर्सनल पर्पज वाली ऑफिशियल पर्पज वाली के लिए और पर्सनल पर्पज वाली के लिए क्या बोला गया है तो पर्सनल पर्पज के लिए बोला एग्जाम टू द एक्सटेंड नोटिफाइड बाई रूल्स माने कि पर्सनल के अंदर जो भी आ रही है ना उसमें जो लिमिट दे रखी है वो लिमिट तक हम आपको एग्जाम दे रहे हैं एक्चुअल या फिर लिमिट ठीक है विच एवर इज लोअर एक्चुअल और लिमिट विच एवर ऑफिशियल वाली के लिए कोई लिमिट नहीं दी है ऑफिशियल वाली के लिए क्या बोला एक्चुअल अमाउंट जितना रिसीव हो रहा है वो या फिर जितना खर्चा हो रहा है वो विच एवर इज लोअर तो अब हम लिमिट वाली लिमिट वाली ध्यान रखो लिमिट वाली होती है पर्सनल लिमिट वाली अलाउेंसेस पढ़ रहे हैं जिसमें सरकार ने ही लिमिट फिक्स कर दी है इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आती है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बच्चों की पढ़ाई का खर्चा तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कितना मिलता है भाई पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चिल्ड्रन सौ रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चिल्ड्रन ये आपको मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेज के नाम पर अभी इसमें क्या कोई लिमिट होती है जी हाँ बिल्कुल होती है बोला ना मैंने दो चाइल्ड की लिमिट है ठीक है अब ये दो चाइल्ड कैसे देखना है इसमें बस एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है आपको कि अगर फर्स्ट बर्थ के बाद में मतलब जो सेकंड बर्थ है वो अगर ट्विन हो जाता है तब तो आपको एक से ज्यादा रिडक्शन मिल जाएगी क्या बोला मैंने एक से ज्यादा रिडक्शन कब मिलेगी ओनली इन केस वेन सेकेंड बर्थ इज ऑफ ट्विन और मोर चिल्ड्रन नेक्स्ट इज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउेंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ये भी सेम दो चिल्ड्रन फिर और भी छोटी छोटी आ जाती है जैसे ट्राइबल 200 मिलेगी ट्रांसपोर्ट बत्तीस सो ट्रांसपोर्ट केवल किसके केस में मिलेगी ब्लाइंड या फिर हैंडीकैप के केस में मिलेगी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीन अलाउंस अलग अलग होती है ध्यान रखना यहां पर मैंने नाम लिया है ट्रांसपोर्ट ट्रेवलिंग अलाउंस भी एक अलग आती है ठीक है अंडरग्राउंड अलाउंस आठ इसके अलावा अलाउेंसेज ग्रांटेड टू ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के एम्प्लॉयज हैं उनको अलाउेंसेज मिली है ये कितनी दस हजार पर मंथ या फिर सत्तर परसेंट ऑफ अलाउंस रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर ये लिमिट है ओके ऐसे करते करते बहुत सारी अलाउेंसेज है आपकी छोटी मोटी बहुत सारी है एक बार आप बस गो थ्रू कर रहे हैं ना मॉड्यूल में जितनी हमारे मटेरियल के अंदर जितनी अलाउेंसेज मेंशन है ना आपको केवल एक बार उनसे थ्रू करना है बस ठीक है नेक्स्ट हमारा लास्ट अलाउंसेस के अंदर ऑफिशियल पर्पज के लिए तो ऑफिशियल पर्पज वाली अलाउंसेस कौन सी होती है पहले तो लिमिट बता देती हूँ क्या है एक्चुअल अमाउंट 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 या या फिर actual amount received, या फिर एक्चुअल एक्चुअल स्पेंड जितना मिला जितना खर्च करा ऑफिशियल पर्पज के लिए विच एवर इज लोअर आपको अलाउड हो जाएगा ऑफिशियल पर्पज के अंदर आता है आपका ट्रैवलिंग डेली कन्वीनियंस हेल्प अकेडमिक यूनिफॉर्म ओके ट्रैवलिंग अलाउंस डेली अलाउंस कन्वेंस अलाउंस हेल्पर अलाउंस हेल्पर और देखो सर्वेंट अलाउंस अलग अलग होता है ओके अकेडमिक या फिर रिसर्च अलाउंस जैसे बोलते हैं और एक होता है यूनिफॉर्म अलाउंस ये ही ये छह के छह नाम आपको याद करने हैं ये आपके ऑफिशियल पर्पस वाली अलाउंसेस के अंदर आते हैं नो कुछ मैंने नाम दिए हैं फुल्ली टैक्सेबल वरना वैसे आपको हमेशा याद रखना है कि जो फुल्ली एग्जेम्ड

अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है ना तो हम डीए को नॉट फॉर्मिंग पार्ट मानते हैं बट इफ आई टॉक अबाउट मटीरियल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंडिया यानी कि सीएमए मॉड्यूल की मैं बात करूं तो वो इसका अपोजिट मानता है ठीक है हमारा इंस्टीट्यूट क्या मानता है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट डी ए इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी तो आपको एग्जाम में क्या करके आना है दोनों आप मेन क्वेश्चन करोगे फॉर्मिंग पार्ट के तरीके से और नीचे एक का नोट लिख करके आ जाओगे कि मैंने करा है, कितने से जितने से डीए बदला है तो वो बदला हुआ अमाउंट लिख करके आ जाओ वर्किंग नोट में आपको हंड्रेड फुल नंबर मिलेंगे ठीक है फिर आपका मेडिकल लंच टिफिन कैश अलाउंस फलाना डिमकाना मतलब बहुत सारे अलाउंसेस ओके अलाउेंसेस कर दिया हमने क्या क्या कर लिया हमने सैलरी का मतलब देख लिया हमने सैलरी की टैक्सेबिलिटी देख ली चार्जिंग सेक्शन देख लिया हमने अलाउेंसेस देख लिए। अभी एक और इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन 16 यानी कि डिडक्शन आपको सैलरी में से कौन सी कौन सी डिडक्शन मिलती है तो आपको सैलरी में से तीन प्रकार की डिडक्शन मिलती है क्या क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन पचास हजार की स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ नहीं फिक्स फिफ्टी थाउजेंड फिक्स इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन कब मिलेगी इफ पेड बाय एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय ने पे करा होगा तो आपको रिडक्शन मिलेगी अगर एम्प्लॉयर पे करा होगा तो एक बार एड होएगा एक बार ही डिडक्ट होएगा ठीक है

ठीक है अलाउेंसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट था डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन एक और वापस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिटायरमेंट इसके बाद केवल हमारा बचेगा ओके सो रिदम बना करके रखो प्लीज फोकस रहो फोकस के साथ में पढ़ो बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्लो में चल रहे ओके रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट है आपका ग्रेचुटी ग्रेचुटी के लिए आपको चेक करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो अगर जो आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कुछ भी हो ग्रेचुअटी अगर आपको रिटायरमेंट से पहले मिली है फुल्ली टैक्सेबल कोई से भी एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो ग्रेचुटी अगर आपको रिटायरमेंट से पहले मिली है फुली टैक्सेबल अगर आपको रिटायरमेंट के बाद मिली है तो गवर्नमेंट के लिए फुल्ली एग्जेप प्राइवेट के लिए प्रोविजंस है ट मींस आप जो ग्रेचुअटी की कंप्यूटेशन करते हो वो केवल किसके लिए करते हो प्राइवेट आफ्टर रिटायरमेंट कंप्यूटेशन क्या है आपको देखना है आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटी एक्ट में कवर्ड हो या फिर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं हो अगर आप एक्ट में कवर्ड हो अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटी एक्ट में कवर्ड हो तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आपको रिडक्शन मिलेगी क्या लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल अमाउंट फिक्स यानी कि स्टैचुटरी लिमिट अब सैचुरी लिमिट क्या है याद रखना पड़ेगा बीस लाख बीस लाख की स्टैंडर्ड लिमिट है एंड थर्ड इज पंद्रह बाय छब्बीस फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स लास्ट विड्रॉल सैलरी इन टू नंबर ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ लास्ट विड्रॉल सैलरी मतलब जब रिटायर हुए उससे पहले जो सैलरी निकाल करके लेके गए थे वो लास्ट विड्रॉल सैलरी ओके तो क्या तीन बातें बोली मैंने अगर आप एक्ट में कवर्ड हो तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की आपको डिडक्शन मिले, मिलेगी एक्चुअल ग्रेचुअटी जो भी होगा उसमें से इन तीनों में से जो कम होगा वो आपका डिडक्ट कराया जाएगा अब तीनों कौन कौन या तो एक्चुअल अमाउंट या तो बीस लाख या फिर पंद्रह बाय छब्बीस ऑफ लास्ट विड्रॉल सैलरी इन नंबर ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ ओके अगर आप ग्रेचुअटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो तो आपको क्या दिया जाएगा एक्चुअल ही लिए जाते हैं राउंड ऑफ नहीं किया जाता है इधर अभी एक बार देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन क्या होता है राउंडिंग ऑफ कैसे करी जाती है तो छह महीने से ऊपर अगर एक भी दिन हो गया तो राउंडिंग ऑफ करना है छह महीने तक राउंड ऑफ नहीं करना है जैसे सपोज आपको 26 साल और छह महीने एग्जैक्ट है तो 26 साल लेंगे 26 साल छह महीने एक दिन 27 साल हो जाएगा ओके सैलरी का मतलब क्या है तो ग्रेच्युटी के अंदर लास्ट विथड्रॉल सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे प्लस डीए डीए फुल कवर्ड है नहीं है कौन सा लास्ट विथड्रॉल मतलब पिछले महीने का जब आप रिटायर हुए उससे जस्ट पिछले महीने आपकी जो सैलरी थी वो इधर लेनी है आपको बेसिक एंड डीए दैट्स इट डीए फुल नाउ एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी के लिए आपको क्या लेना है हां जी तो एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी इज एवरेज सैलरी हम लेते हैं आपका बेसिक पे बेसिक पे प्लस डीए डीए कौन सा डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड योर कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर ये तीन चीजें आपको सैलरी के लिए लेनी है अभी सैलरी लेनी कितने टाइम की है तो दस महीने की सैलरी लेनी है दस महीने कब से लेना है ध्यान से सुनना एवरेज सैलरी के लिए दस महीने आपको कब से लेने होते हैं जिस दिन आप रिटायर हुए हो उससे पहले वाला महीना जो आ रहा है वहां से दस महीने लेने हैं यानी कि अगर आगर, आप सपोज आप रिटायर हुए हो बारह सेप्टेंबर को बारह सेप्टेंबर को रिटायर हुए हो तो सेप्टेंबर से पहले कौन सा महीना आता है ऑगस्ट नंबर ऑफ डेज को इग्नोर करना है चाहे दस हो पंद्रह हो एक हो बीस हो कुछ भी हो नंबर ऑफ डेज को इग्नोर करना है यानी कि जिस दिन रिटायर हुए उससे पहले वाला जो महीना है उस महीने से दस महीने काउंट करने हैं, वो दस महीने की एवरेज सैलरी आपको लेनी है ग्रेचुटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज सैलरी ठीक है ये था हमारा ग्रेचुटी अच्छा ग्रेचुटी का अगर आपको डेथ पे ग्रेचुअटी मिली है तो वो आपकी एग्जेप्ट होती है ओके नेक्स्ट इज पेंशन तो डेथ पे ग्रेचुअटी पेंशन कुछ भी मिला दोनों एग्जाम होता है ठीक है पेंशन पेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी वही देखना है गवर्नमेंट और प्राइवेट गवर्नमेंट और प्राइवेट के के केस में क्या अगर आपको पेंशन देखना है मंथली मिल रही है कि लमसम मिल रही है पेंशन अगर आपको मंथली मिल रही है टैक्सेबल लमसम मिल रही है गवर्नमेंट वाले के लिए एग्जाम फिर हम कंप्यूटेशन करेंगे प्राइवेट वाले के लिए प्राइवेट के लिए क्या कि क्या साथ में ग्रेचुअटी मिल रही है या साथ में ग्रेचुटी नहीं मिल रही है ये देखना है ग्रेचुटी में क्या देखते थे एक्ट में कवर्ड हो कि नहीं हो पेंशन में क्या देखेंगे साथ में ग्रेचुअटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है अगर साथ में ग्रेचुअटी मिल रही है तो वन थर्ड ऑफ टोटल पेंशन एग्जाम हो जाएगा क्या बोला मैंने अगर साथ में ग्रेचुअटी मिल रही है तो वन थर्ड ऑफ टोटल पेंशन हो जाएगा अगर साथ में ग्रेचुअटी नहीं मिल रही है तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन एक्जेंट हो जाएगा मतलब आपको पहले टोटल पेंशन निकालनी होगी उसका वन थर्ड और उसका वन बाय टू आपको करना होगा डन ओके मंथली तो मंथली के हिसाब से चलता रहेगा है ना ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड बेसिकली चार टाइप में देखते हैं statutory provident fund, and public. तो statutory जो होते हैं, ये आपके होते हैं एम्प्लॉयज के लिए स्टैचुरी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है जनरली रिकग्नाइज जो होता है वो प्राइवेट के लिए होता है और रिकोगनाइज क्यों बोला क्योंकि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिक्नाइज कर देते हैं अनरिकोगनाइज भी प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए होता है ये basically EPF के बारे में बात हो रही है वो रिकोगनाइज नहीं होता ओके इनकम टैक्स से रिकोगनाइज नहीं है एंड लास्ट वन इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कोई भी कर सकता है ठीक है पीपीएफ जिसे हम कहते हैं तो इसका ये चार्ट है 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 आप देखो SPF जो है, वो होता डिडक्शन मिलती एटीसी के अंदर एग्जेम होता है बिना कोई लिमिट के फिर आरपीएफ की मैं बात करूं तो आरपीएफ के ऊपर 12 परसेंट की लिमिट है 12 परसेंट के ऊपर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12 परसेंट के ऊपर टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी अंडर चैप्टर सिक्स ए इंटरेस्ट जो है एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के ही कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट साढ़े नौ परसेंट तक एग्जेमड uh, है उसके ऊपर वो टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है यूआरपीएफ के के केस में ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है नॉट एप्लीकेबल एंड पीपीएफ केस में भी आपको डिडक्शन मिलती है सैलरी बेसिक पे प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्न ओवर ओके आरपीएफ से रिलेटेड कुछ कंडीशन होते हैं आपको पांच साल का कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट देना है कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे इल हेल्थ है बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया या एनी सच केस ठीक है ये हो गई पी के बारे में बात अब बात करते हैं लीव सैलरी तो लीव सैलरी क्या बोलता है लीव सैलरी आपको जनरली देखो क्या होता है ना एम्प्लॉईज uh, को लीव्स अलाउड होती है कुछ लीव्स एम्प्लॉई को अलाउड होती हैं ड्यूरिंग देयर सर्विस पीरियड बट अगर उस एम्प्लॉई ने वो लीव्स नहीं ली है वो लीव्स अवेल नहीं करी है तो जितनी अनअवेल्ड लीव्स होती है ना जो उसके अकाउंट में अभी बची हुई है उनका वो क्या कर सकता है पैसा ले सकता है किसे इसी बोलते हैं हम लीव सैलरी ओके तो वो पैसा कभी भी ले सकता है वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट भी ले सकता है और एम्प्लॉयमेंट के बाद करना है जितना लीव सैलरी एक्चुअली मिला वो अभी ये लिमिट बढ़ गई okay? तो स्टैंडर्ड अमाउंट क्या हो गया पच्चीस लाख पहले ये तीन लाख हुआ करता था अमेंडमेंट होकर पच्चीस लाख हो गया 10 मंथ्स एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी यहां कैसे लोगे सेम जैसा आपने एवरेज सैलरी ग्रेच्युटी के लिए देखा था बट ग्रेच्युटी में पिछले महीने से लेते थे यहां पर हमें नंबर ऑफ डेज को कंसिडर करना है यानी कि जिस दिन रिटायर हुए ना उससे लेकर के 10 महीने मतलब दिनों में कंप्यूटेशन होगी ठीक है लास्ट फोर्थ पॉइंट अर्ड लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय इन टू एवरेज सैलरी आपकी कितनी लीव ऐसी बची हुई है कितनी अन अवेल्ड लीव आपके अकाउंट में अभी भी पड़ी हुई है ठीक है अर्न <coughs> लीव कैसे निकालते हैं हम एनुअल लीव एंटाइटलमेंट तीस दिनों से ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि तीस दिन किसने बोले हैं इनकम टैक्स ने बोले हैं इन टू कंप्लीटेड इयर ऑफ सर्विस ठीक है इसमें से आप माइनस कर दोगे जितनी लीव आपने ड्यूरिंग द सर्विस अवेल्ड कर ली है तो बचा हुआ क्या आ जाएगा आपकी अन अवेल्ड लीव मतलब कितनी लीव अभी आपकी बची हुई है आपके अकाउंट में नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन होता है आपको निकाल दिया जाता है देखिए क्या है ना अभी आप लीव सैलरी वगैरह ये सब केवल प्रोविजन चल रहे हैं ओके इनके सबके क्वेश्चन होंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि हमें लीव सैलरी कैसे निकालना है हमें अनर्न लीव कैसे निकालनी है सब चीजें आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी अभी हम केवल और केवल प्रोविजन रिकॉल कर रहे हैं रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन क्या होता है आपको निकाल दिया जाता है निकाल दिया जाता है तो जो कॉम्पेंसेशन मिलता है उसमें से कितना कॉम्पेंसेशन हमें एग्जेप्ट होगा तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव या फिर पांच लाख या फिर पंद्रह बाय छब्बीस एवरेज पे एवरेज पे कैसे लेना है तीन महीने का एवरेज पे लेना है इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इसके लिए जो सैलरी होती है वो बहुत ही लंबी चौड़ी होती है ठीक है सब कुछ ही ले लो आप एक तरीके से इसके लिए एक्सेप्ट बोनस ग्रेचुटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू पी एफ एस पी एफ नेक्स्ट इज वी आर एस वी आर एस यानी कि आप वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लेते हो तो वी आर एस के लिए कुछ कंडीशन है कॉम्पेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यानी कि लोकल अथॉरिटी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डी कॉरपोरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी इन सब का अगर होगा तो ही आपको वी आर एस के लिए रक्शन मिलेगी ठीक है वी आर एस जो है वो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी है उस अकॉर्डिंग मिलना चाहिए एग्जामेशन आप केवल लाइफ में एक बार ले सकते हो सपोज आप पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में लग गए सपोज आप पहले आप एयरफोर्स में लग गए वहां से आपने वी आर एस ले लिया उसके बाद में आप दूसरी किसी गवर्नमेंट जॉब में लगे हो वहां से भी आपने वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लिया तो क्योंकि आपने पहले वाला बी अगर एग्जामेशन क्लेम कर ली होगी तो आपको दोबारा नहीं मिलेगी बी की एग्जामेशन लाइफ में एक ही बार मिलती है अगर आपने रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्लेम कर रखा है तो बी नहीं मिलेगा अभी बी मिलेगा कितना तो बी आपको मिलेगा पांच लाख थ्री मंथ्स इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस या फिर सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन टू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस जितना टाइम अभी हमारा बचा हुआ है वो सैलरी क्या लेनी है लास्ट ड्रॉन बेसिक पे प्लस डी अंडर टर्म्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्न ओवर ठीक है वी आर एस के लिए कुछ गाइडलाइंस होती है दस साल की सर्विस या फिर चालीस साल की उम्र आप डायरेक्टर नहीं होने चाहिए हो वीआरएस की वजह से ओवरऑल स्ट्रेंथ में रिडक्शन आना चाहिए जो वैकेंसी वी की वजह से खाली हुई है वो फिल्ड अप नहीं होनी चाहिए और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सेम ग्रुप सेम मैनेजमेंट ग्रुप के दूसरी जगह कंपनी में नहीं जाएगा दूसरी कंपनी या दूसरे कंसर्न में नहीं जाएगा ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर अलाउेंसेज डिडक्शंस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक बहुत ही बड़ा पार्ट हमने कवर कर लिया है अब हमारा सैलरी का आखिरी पार्ट बच रहा है यानी कि पर्क्यूजिट बच रहा है तो सेम इसी रिदम के साथ इसी स्पीड में हम पर्क्यूजिट को भी खत्म कर देते हैं पर्क्यूजिट क्या होता है फैसिलिटीज होती हैं जो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराई जाती है फैसिलिटीज मतलब आपको हम सहूलियत प्रोवाइड करवा रहे हैं ठीक है यह कैश में भी हो सकती है काइंड में भी हो सकती है अभी पर्क्यूजिट्स में भी टाइप आते हैं कुछ पर्क्यूजिट होते हैं जो ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं कुछ परक्यूजिट होते हैं जो एग्जेमट होते हैं सबके लिए और कुछ परक्यूजिट होते हैं जो सबके लिए टैक्सेबल होते हैं पहले हम बात करेंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कौन से परक्यूजिट आते हैं तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ठीक है सब्सटैशियल इंटरेस्ट यानी कि ट्वेंटी परसेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कभी भी अगर ट्वेंटी परसेंट होल्डिंग गई इक्विटी की सब्सटेंशियल बन जाओगे तीसरा आप इनकम फ्रॉम सैलरी हम नॉन मॉनेटरी पॉक्यूजिट हटा दें उसके अलावा जो आपकी सैलरी आ रही है वो आ रही है पचास हजार ठीक है तीनों में से कोई भी एक सेटिसफाई हो जाती है तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाओगे अभी कौन से कौन से पॉक्यूजिट्स हैं जो स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल होते हैं स्वीपर गार्डनर वॉचमैन पर्सनल अटेंडेंट ये वाला एजुकेशन ठीक है supply of gas, electricity, water, motor car facility, vehicle other than motor car, leave travel concession, medical facility ये only specified के लिए taxable होते हैं इसमें से बड़े perquisites कौन से कौन से हैं तो हमारा motor car वाला vehicle other than motor car, leave travel and medical ये थोड़े बड़े perquisites आते हैं जिसमें provisions ज़्यादा हैं फिर exempt कौन से कौन से होते हैं कोई भी ट्रेनिंग या रिफ्रेशर का कोर्स है आपका ये फॉलोइंग एक्सपेंसेस टेलीफोन एक्सपेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर कोई स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस में आपने करा है हेल्थ क्लब स्पोर्ट्स या फिर फेमिलियर फैसिलिटी का यूज करना ठीक है ये तीन कैटेगरी आपकी क्या होती है एक्ज होती है हर एम्प्लॉय के लिए अगर आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो ये आपके लिए एक्ज है इसके केस में आपको कोई कंप्यूटेशन नहीं करनी है लास्ट पर टैक्सेबल फॉर ऑल तो ऊपर की दोनों कैटेगरीज के अलावा जो भी परक्यूजिट है वो सबके लिए टैक्सेबल है चाहे आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो नाउ एक एक करके बात करते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की फैमिली को लीव सैलरी अलग था ध्यान रखना लीव सैलरी होता है रिटायरमेंट बेनिफिट लीव सैलरी आपको कब मिलता है पार्ट होता है रिटायरमेंट बेनिफिट का लीव सैलरी आपको कब मिलता है कि भाई आपने अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे छुट्टियां नहीं ली तो वो जो नहीं ली छुट्टियां वो आपके अकाउंट में पड़ी हुई है दैट इज लीव लीव सैलरी ट्रैवल क्या है घूमने फिरने भेज रहे हैं आपको ठीक है तो लीव ट्रैवल एम्प्लॉय और उसकी फैमिली के लिए ट्रैवलिंग कहाँ हो इंडिया में होनी चाहिए जो एग्जैम्शन है वो किसके लिए है फेयर अमाउंट यानी कि टिकट का जो प्राइस है आपका स्टे एक्सपेंसिज नहीं है स्टे या फूड वगैरह नहीं है केवल टिकट का जो प्राइस है वो तो अगर आप बाय एयर जा रहे हो तो इकोनॉमिक क्लास अगर आप बाय ट्रेन और रेल जा रहे हो तो ट्रेन के अंदर फर्स्ट एसी अगर ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो लोकल ट्रांसपोर्ट है तो लोकल ट्रांसपोर्ट में डीलक्स फेयर एग्जेप्ट होगा बट अगर लोकल ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट एसी में जितना लगता ना उतना एग्जाम कर देंगे ओके ध्यान से इस चार्ट को देख लीजिए एक बार एयर इकोनॉमी ट्रेन फर्स्ट एसी ट्रेन नॉट अवेलेबल अदर लोकल ट्रांसपोर्ट यानी कि बसेस तो डीलक्स वो भी अवेलेबल नहीं है लोकल भी अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट एसी जितना ट्रेन का फैमिली कौन होता है स्पाउस चिल्ड्रन डिपेंडेंट पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर ये सब आपका फैमिली है ठीक है इसमें पेरेंट्स के सॉरी uh, चिल्ड्रन के लिए थोड़ी सी बात कर दी गई है तो चिल्ड्रन के लिए क्या बोला है कि एग्जेंशन इज अवेलेबल टू मोर देन टू चिल्ड्रन सर्वाइविंग बिफोर एट यानी कि हमारे जैसे बच्चे ओके जो आपको डी पढ़ा रही है हमारे जैसे बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं थी 1998 से पहले जो पैदा हुए हुए बच्चे हैं उनके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है 1998 के बाद जो पैदा हुए हुए बच्चे हैं उनके लिए रेस्ट्रिक्शन है मैक्सिमम दो बच्चों के ओके मल्टीपल बर्ड्स यहां पर भी वही आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस वाला लगता है ठीक है. अच्छा एक बात इसके अंदर ये आपको ब्लॉक में मिलता है ठीक है तो दैट मीन्स चार साल का चार साल का ब्लॉक बनता है तो दो बार आपको मिलेगा और अगर आपने किसी भी रीजन से आप प्रीवियस ईयर में इस फैसिलिटी को नहीं बेनिफिट ले पाए तो कोई भी एक ब्लॉक आपको नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा एक का ही मिलेगा नेक्स्ट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन आर एफ आर एफ क्या होता है कि देखो एक तो एच होता है और एक होता है आर तो अगर आप एच या आर में से कोई एक ही ले सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो आप क्लेम करोगे बाय बाय <coughs> है नहीं है नहीं अगर का खुद का है है तो आपको देखनी 25 25 10 10 10 से 25, या फिर लाख 15 10 अगर का का खुद का नहीं है तो 15 परसेंट ऑफ सैलरी या फिर जितना रेंट एम्प्लॉयर दे रहा है अच्छा पर्क्यूजिट में हम क्या देखते हैं मैं uh, आपको क्लियर कर दू ये जो हम कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं ना ये की वैल्यू कंप्यूट करते हैं हम यानी कि टैक्सेबल वैल्यू कंप्यूट करते हैं डायरेक्टली ठीक है अगर अकोमोडेशन होटल में दिया है तो 24 परसेंट ऑफ सैलरी या फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड एवर इज लोअर होटल वाला कब करेंगे हम पंद्रह दिन से ज्यादा अगर हो जाएंगे ना पंद्रह दिन से एक्सटेंड कर रहा है अगर आपका स्टे तो टैक्सेबल करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे ओके okay? नाउ अगर आपको साथ में ये तो बात थी अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की अगर आपको फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया यानी कि फर्नीचर भी साथ में दिया है फर्नीचर अगर आपको साथ में दिया है तो टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं है यानी कि एम्प्लॉयर भी किराए पे लेके आया है तो जो रेंट चार्जेस है वो नेक्स्ट इज अभी ये आपका आरएफए हो गया नेक्स्ट इज मोटर कार अच्छा थोड़ा सा आर के अंदर चेंजेस आए थे वो चेंजेस भी हम एक बार कवर कर लेते हैं तो एक सितंबर 2023 से इसे चेंज करके क्या कर दिया गया है जो ऑफ सैलरी हमने पढ़ा, उसकी जगह पे 10 परसेंट ऑफ सैलरी हो गया है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस लेकर के आ गए है। हैं विद इफेक्ट फ्रॉम वन नाइन ट्वेंटी ये चेंजेस आ गए हैं पॉपुलेशन में अच्छा अगर आप दो जगह रह रहे हो जैसे अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर अगर आपका होता है तो पहले नब्बे दिन के लिए क्या करेंगे देखो आपको ट्रांसफर करा है पहले नब्बे दिन के लिए तो किसी एक को ही टैक्सेबल करेंगे दोनों को नहीं करेंगे हम एक कौन सी जिसकी वैल्यू कम आ रही है उसे टैक्सेबल करेंगे तो आप दोनों की कंप्यूटेशन करोगे दोनों में से जो कम आ रहा है उसे टैक्सेबल करेंगे बट अगर आपने नब्बे दिन तक भी नहीं खाली करा घर तो उसके बाद जो है वो दोनों टैक्सेबल हो जाएगी जैसे इधर आपको जयपुर में ऑक्यूपाइड हो अभी आप जयपुर में आपको आर दे रखा है और आपको ट्रांसफर है मुंबई आपने नब्बे दिन तक खाली कर दिया नब्बे दिन के अंदर अंदर तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नब्बे दिन तक तो कोई एक टैक्सेबल होगी कौन सी वाली जिसकी वैल्यू कम आएगी और उसके बाद में दोनों टैक्सेबल कर देंगे ठीक है ओके नेक्स्ट इज योर मोटर कार अभी मोटर कार के बारे में क्या बोला है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है क्या देखिए मोटर कार में सिंपली आप सबको छोड़ो मोटर कार के लिए आपको देखना है मोटर कार ओन्ड किसने कर रखी है और मेंटेन कौन कर रहा है अगर ओन्ड एंड मेंटेन दोनों एम्प्लॉयर कर रहा है क्या बोला मैंने ओन एंड मेंटेन दोनों एम्प्लॉयर कर रहा है तो पर्सनल पर्पस के लिए क्या होगा अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो नॉट अ पक्यूज अगर पर्सनल पर्पज है तो मेंटेनेंस का खर्चा प्लस डेप्रिसिएशन वो आपके लिए पॉकेजिट हो जाएगा और वो होगा किसके लिए स्पेसिफाइड ये तो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख चुके हैं अगर बोथ पर्पज है यानी कि ऑफिशियल प्लस पर्सनल तो आपके लिए 1800 या फिर 2400 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा है नाउ नेक्स्ट आपका जो कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है car

प्लस ऑफिशियल uh, तो 600 या फिर 900 पर मंथ एज द केस मे बी ओके 600 या फिर 900 पर मंथ देखो ये 1800 2400 600 900 डिपेंड करता है आपके सीसी पर तो अगर आपकी इंजन कैपेसिटी अप टू 1600 सीसी है तब तो आप लोगे 1800 और 600 और अगर अबव 1600 कैपेसिटी है अबव 1600 सीसी है आपकी कैपेसिटी तो आप लोगे 2400 और 900 ओके okay? इसके बाद अगर गाड़ी गाड़ी किसकी है एम्प्लॉय की खर्चा कौन कर रहा है खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो जेनवन सी बात है आप पर्सनल पर्पज ऑफिशियल तो होता ही नहीं है पर्सनल के लिए केवल मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन क्यों नहीं क्योंकि गाड़ी किसकी है एम्प्लॉय की है डेप्रिसिएशन तो वो ऑलरेडी उसका पर्सनल पर्पज का हो गया ये तो ठीक है तो मेंटेनेंस खर्चा आपके लिए टैक्सेबल कर देंगे अगर बोथ पर्पज के काम में ले रहे हो तो आपको क्या देखना है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड है जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसे आप रिड्यूस कर दोगे 1800 या 2400, 1800 सो, सो टू सोलह सो चोईस सो, अब अब सो ठीक है इसके साथ साथ में क्या होता है देखो अगर आपको ड्राइवर की फैसिलिटी दी जा रही है ना हर केस में जो भी केस हमने पढ़ा 1800, सो चौबीस सो, सो, सो जो भी केस हमने पढ़ा इन सब में नौ रुपए एक्स्ट्रा जाते हैं ड्राइवर के अगर फैसिलिटी दी जा रही है तो ओके डन ओके डन नाउ इसमें एक छोटी सी बात थी कि जो अपन डेप्रिसिएशन लेते हैं वो अपन क्या करते हैं वो टेन परसेंट ऑफ कॉस्ट लेते हैं इफ मोर देन वन कार इज अवेलेबल देन वन कार विल ऑफिशियल एंड पर्सनल और अदर को हम फुल्ली पर्सनल मान लेंगे मैक्सिमम एक ही गाड़ी को हम बोथ पर्पज मानेंगे दूसरी गाड़ी को हम फिर पर्सनल मान करके टैक्सीबल कर देंगे अब थोड़े बहुत बच गए गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह करके तो फैसिलिटी किसके नाम पर है एम्प्लॉयर के नाम पर है प्रोवाइड फ्रॉम ओन सोर्स एम्प्लॉयर खुद ही दे रहा है पैसे, मतलब एम्प्लॉयर के नाम पर है प्रोवाइड भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है मतलब खुद क्या मैन्युफैक्चर्ड है तो कितना हो जाएगा आपका प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड अगर फ्रॉम ओन सोर्स है है या फिर प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड ओन सोर्स से प्रोवाइड कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग जाएगी आउटसाइड कर रहे हो तो जितना अमाउंट आप आउटसाइड पे कर रहे हो उतना सिंपल सी बात समझना आप गैस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी वाटर के लिए सर्विस कौन किसके नाम पर जा रही है एम्प्लॉयर के नाम पर और एम्प्लॉयर ही वो ओन कर रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी गैस की फैसिलिटी के अंदर मान लो उसके अंदर काम करते हो गैस की कंपनी के अंदर काम करते हो और आपको जो गैस फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है आपको सिलेंडर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो क्योंकि आप उसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हो तो उसके लिए आप जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में अगर फैसिलिटी आपके नाम पर है यानी कि बिल जो आ रहा है वो आपके नाम पर आ रहा है तो भी केसेस सेम रहेंगे एम्प्लॉयर करवा रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाहर से वो फैसिलिटी आपको दिलवा रहा है तो अमाउंट पेड किसके लिए सारे के सारे एम्प्लॉय के लिए ऑल ओके नेक्स्ट इज एजुकेशन फैसिलिटी तो एजुकेशन फैसिलिटी के लिए क्या बोला गया है एजुकेशन फैसिलिटी चिल्ड्रन को प्रोवाइड कराई जा रही है अभी आपको स्कूल देखना है अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है और हजार रुपए पर मंथ से एक्सीड नहीं करना चाहिए ठीक है स्पेसिफाइड के लिए अगर किसी और का स्कूल है तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन ओके एजुकेशन के लिए क्या बोला मैंने अगर एम्प्लॉयर के खुद के स्कूल में प्रोवाइड कराई जा रही है एजुकेशन फैसिलिटी, तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर स्कूल बस रुपए को एक्सीड नहीं करेगा हजार रुपए पर मंथ ठीक है मतलब एजुकेशनल फैसिलिटी में आपको टोटल अमाउंट देखना है हजार से ऊपर जितना चला गया डन और अगर किसी और स्कूल में कराई जा रही है तो कॉस्ट ओके okay.

गिफ्ट अगर आपको इन काइंड मिला है तो पांच हजार तक का गिफ्ट तो एग्जेम्ट है उसके ऊपर जितना एक्सेस है सपोज मुझे किसी से सात हजार की घड़ी मिली है तो दो हजार क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा एक्सेस वाला टैक्सेबल हो जाता है ओके okay? ट्रांसपोर्ट तो अगर आप रेलवे uh, या एयरलाइन के ही एम्प्लॉय हो तो टैक्सेबल वैल्यू न लाएगी कोई और हो तो जितना बेनिफिट माइनस जितना आपसे रिकवर किया जा रहा है इस के केस में क्या होता है के केस में आपको देखना है वैल्यू ऑफ पर्क्यूजिट जो है इस के केस में क्या आएगी ऑप्शन जब आपने एक्साइज करा एक्साइज करने वाले दिन जो आपकी एफ थी वो आपको लेनी है सिंपली ओके नेक्स्ट इज इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल लोन अगर आपको मिल रहा है तो इसमें क्या करना है इंटरेस्ट कंप्यूटेड पर एसबीआई की रेट, रेट की कौन सी? यानी कि ओपनिंग वाली किस पे ऑन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस जो इंटरेस्ट एज पर एस आ रहा है माइनस इंटरेस्ट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, आपसे कितना लिया सपोज आपको कंसेशनल रेट पे लोन दिया जा रहा है तो जो एस की रेट है एक चार तेईस की जो एसबीआई की रेट है बाकी कोई भी रेट दे रखी हो आपको आरबीआई वगैरह वगैरह किसी भी बैंक की रेट दे रखी हो नहीं देखना है केवल और केवल एस की एक चार तेईस की रेट देखनी है किस पे आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस के ऊपर ओके उसमें से माइनस करेंगे कितना इंटरेस्ट एम्प्लॉय से रिकवर हो रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अगर लोन बीस को एक्सीड नहीं कर रहा है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा डन नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में क्या बोलते हैं कि अगर हॉस्पिटल जो है मेडिकल ट्रीटमेंट टैक्स फ्री प्रीपर्क्यूज माना जाएगा इन केसेस में किन किन केसेस में हॉस्पिटल आपके एम्प्लॉयर का है सम पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन हॉस्पिटल मेंटेन बाय या फिर या तो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का है या फिर हॉस्पिटल किसका है सरकार का हॉस्पिटल है या फिर अप्रूव्ड बाय सीजीएचएस है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से अप्रूव्ड है या फिर कोई अप्रूव डिजीज का है मतलब जो कुछ स्पेसिफाइड हैं उनका इलाज अगर आप करवा रहे हो या फिर कोविड नाइनटीन से रिलेटेड है तो ठीक है ग्रुप इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सीडेंटल ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया है मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है वो भी टैक्स फ्री पर्कज होता है बस एक्सपेंस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर सॉरी ऑफ द एम्प्लॉय एनी अदर फैमिली मेंबर होता है आरबीआई जितना बोलेगा उतना एम्प्लॉय पे कर रहे हो या एम्प्लॉय के परिवार के जने पे कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट आरबीआई का बताया हुआ एक्ज होगा एक्सपेंसेस ऑन स्टे बाहर आपके रहने का मतलब जो बीमार है वो प्लस एक अटेंडेंट अलाउड है उनका खर्चा आरबीआई की लिमिट तक ना ट्रैवल एक्सपेंस के लिए आपकी जीटीआई देखी जाती है अगर आपकी जीटीआई टी दो लाख से कम है तो आपको ट्रैवल एक्सपेंस अलाउड होंगे पूरे अगर आपकी जीटीआई दो लाख से ऊपर है तो आप मानते हैं कि आप अपने आने जाने का खर्चा खुद उठा सकते हो खुद उठा सकते हो तो खुद ही उसको बुक दो तो, ठीक है फैमिली क्या होगी स्पाउस चिल्ड्रन डिपेंडेंट पेरेंट ब्रदर सिस्टर ये सब डन नेक्स्ट इज यूज ऑफ मूवेबल असिट अगर आप मूवेबल अट का यूज करते हो तो सिंपली एक ही बात है टेन परसेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या फिर हायर पे लिया है तो हायर चार्जेस वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा ठीक है फ्री लंच ये सबको याद रहता है पचास रुपए पचास रुपए पर मील आपका फ्री होता है ओके क्रेडिट कार्ड के लिए भी सेम ही बात है क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिलता है इंक्लूडिंग fees, fees. तो जितना भी अमाउंट जो भी अमाउंट आप खर्चा कर रहे हो अगर आप ऑफिशियल कर रहे हो होली तो वो एक्सम्ड होता है क्लब एक्सपेंडिचर के लिए भी सेम ही बात है ओके ऑल राइट सो दिस वॉज आ रिविजन ऑफ सैलरी चैप्टर हमने allowances, हमने इंपॉर्टेंट perquisites, important क्या ऑलमोस्ट सारे ही परक्यूजिट्स कर लिए हमने सेक्शन 16 की रिडक्शन कर ली हमने बेसिक यानी कि हमने ग्रेड पे कर लिया सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कर लिया कंप्लीट सैलरी हमारा रिवाइज हो गया है और ये आपको और कॉन्फिडेंस कब आएगा जब हम सैलरी के क्वेश्चन करेंगे तो एक बार हमारी ये मैराथन की सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आऊंगी और वो क्वेश्चंस कराते टाइम वापस आपके प्रोविजंस में रिकॉल करवाऊंगी ओके थैंक यू वेरी मच